कांगड़ा में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके सुबह 10:51 पर महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके महसूस होते लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। प्रदेश सरकार का 2 का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर 27 दिसंबर को रिज पर आयोजित होने वाली विशाल रैली की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होगी। रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने रिज का दौरा किया और रैली को सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। शिमला नगर निगम के लिए मेयर और डिप्टी मेयर का चयन कल तक ले लटक गया है, क्योंकि विपक्षी पार्षद बैठक में नहीं आए, जिसके कारण चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए कल दोबारा से बैठक होगी, जिसमें चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी। यदि कल भी विपक्ष बैठक में नहीं पहुंचता है तो बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बीजेपी के सभी पार्षदों से मुलाकात की और उन्हें एकजुटता का पाठ पढ़ाया। आपको बता दें कि 34 में से 21 पार्षद बीजेपी के हैं। यदि क्रॉस वोटिंग की नौबत नहीं आई तो बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। डेरा के विधायक होशियार सिंह ने कहा कि पौंग बांध विस्थापितों के हक को दबाकर रखा गया था, जिसे हमने खुलवाया। विस्थापितों को मुरब्बे नहीं मिल पा रहे थे, जिसको लेकर हमने प्रदर्शन किया, जिससे सरकार जागी और इस दबे मामले को खोला गया। होशियार सिंह ने कहा कि 1970 में पौंग बांध निर्माण के दौरान 25,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे, जो पिछले लंबे समय से अपने हकों से महरूम थे। उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमने आवाज बुलंद की। दिल्ली में जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज के विरोध में शिमला में एनएसयूआई ने गृहमंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। एनएसयूआई ने शिमला के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के बाहर प्रदर्शन किया और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने चेताया कि राष्ट्रीय स्तर पर एनएसयूआई जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वहीं दूसरी ओर नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिमला डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और कानून के समर्थन में नारेबाजी की। रिश्वत लेने का कथित वीडियो वायरल होने और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पांवटा साहिब नगर परिषद के उपाध्यक्ष नवीन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। नवीन शर्मा ने अपना इस्तीफा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अरविंद गुप्ता को सौंपा है। नवीन शर्मा ने बताया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, वो एक सोची समझी साजिश के तहत बनाया गया है। ये बीजेपी समर्थित नगर परिषद को बदनाम करने की साजिश रची गई है। उनका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। सरकाघाट उपमंडल की गाहर पंचायत के समाहल गांव में देवास्था की आड़ में 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला से क्रूरता के मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों को 37 दिन बाद कोर्ट से जमानत मिल गई है। बुजुर्ग महिला से क्रूरता के मामले में सरकाघाट पुलिस ने 24 लोगों को दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया था, जिनमें देवता की पुजारन और उसके 2 और अन्य ग्रामीण शामिल हैं। सभी आरोपी 11 नवंबर से न्यायिक हिरासत में थे। नगर परिषद सुजानपुर के पूर्व अध्यक्ष अमन भटनागर ने मौजूदा नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा के ऊपर विकास कार्यों में ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उपायुक्त हमीरपुर के सामने अविश्वास प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 5 पार्षद एकजुट हो गए हैं। जिन 5 पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, उनमें 3 पार्षद बीजेपी समर्थित है जबकि 2 कांग्रेस समर्थित है। आपको बता दें कि नगर परिषद सुजानपुर में कुल 9 पार्षद हैं। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 1.5 किलो से अधिक चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में आने पुलिस के नए बस स्टैंड के पास हरियाणा निवासी को 1 किलो 55 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार, जबकि दूसरे मामले में कुल्लू पुलिस ने द्वारका चेकपोस्ट पर शगचुल निवासी दिलीप कुमार को 504 ग्राम चरस के साथ पकड़ा है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने दोनों मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मंडी के शेट्टाधार में युवक की बर्फ से दबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान पद्म सिंह के तौर पर हुई है, जो रांचा गांव बाली चौकी जिला मंडी का रहने वाला था। पद्म सिंह सोमवार शाम अपने ननिहाल चेत गांव के लिए घर से निकला था। पद्म सिंह शेट्टाधार की पहाड़ी को पार नहीं कर पाया और रास्ते में 3 फीट से अधिक बर्फ के बीच फंस जाने के बाद ठंड में ठिठुर कर उसकी मौत हो गई।